अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं स्टू रेसिपी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है और इजी जो है वो बन जाती है। आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी बजा दें ताकि हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप लोग मेरी वीडियो आसानी से देख सकें। मैंने जो है सबसे पहले जो है गोश्त बॉयल होने के लिए रख दिया है और उसके अंदर जो है हाफ स्पून मैंने हल्दी डाली है और हाफ स्पून जो है मैंने लाल मिर्च डाली है और हाफ स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है और ये बॉयल होता रहेगा। इसके बाद जो है मैंने यहाँ 1 कप जो है वो तेल लिया है और मैंने जो है यहाँ 4 प्याज लिए हैं कटे हुए इस तरह से लंबाई में और फ्लेम जो है मैंने मीडियम रखी है, फ्लेम जो है वो मीडियम रखेंगे। और इसके बाद जो है 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है और इसके बाद जो है 8 से 10 जो हैं ये लहसुन के जवे हैं और इसको मैंने इस तरह से जो है वो पीसेस कर लिए हैं। और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम की आईडी पर। इसको जो है मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं 8 से 10 और बारीक बारीक कटिंग करे हुए हैं ये। इसको जो है हमें बिल्कुल खड़ा रखना है इसका मसाला और इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून मैंने धनिया ऐड करा है और 1 टेबल स्पून गोल मिर्च साबुत इसको मैंने कूट ली है और इसको जो है अच्छे से जो है मिक्सअप कर देंगे। और इसको जो है हमें बंगाड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ब्राउन नहीं करना इसको प्याज को। इसको जो है हम लाइट पिंक रखेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर जो है बिल्कुल खड़ा मसाला चाहिए। और आप लोग मेरी वीडियो पूरा वॉच कर लिया करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और बेल आइकन भी बजा दिया करें साथ में और वीडियो जो है वॉच करें पूरी। इसके बाद जो है मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड करा है इसके अंदर इसके बाद जो है हम इसको प्याज को जो है वो पिंक करेंगे, हमें इसको ब्राउन नहीं करना है इसलिए जो है हम फ्लेम जो है वो मीडियम रखेंगे। और साथ साथ जो है हम अब मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर। मैंने इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून धनिया ऐड करा है और 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करी है। इसके बाद जो है मैं यहाँ ये मैंने इसको गोश्त को बॉईल कर लिया था जो और वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और मैंने इसकी जो यखनी थी वो बिल्कुल खुशक कर ली थी। और इजीली जो है ये रेडी हो जाएगा, बस इसके अंदर जो है हम गोश्त डाल देंगे क्योंकि हमें गोश्त जो है हमने पहले ही जो है वो बॉईल कर लिया था और इसको जो है हम मिक्सअप कर लेंगे। हम इसको जो है 5 मिनट तक जो है इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। इसको जो है हमें खड़ा मसाला रखना है इसके अंदर और इसको जो है बिल्कुल भी जो है वो हमें इसको सालन टाइप नहीं बनाना, भूनना नहीं है बहुत ज़्यादा। इसका मसाला जो है हमें खड़ा रखना है और इसको हम भूनते जाएंगे, इसका जो ऑयल है वो बाहर आ जाएगा और बस ये रेडी हो जाएगा आसानी से, ईज़िली जो है वो बहुत बन जाता है ये। ज़रूर ट्राई करिएगा और किसने जो है वो अब तक ट्राई कर लिया है ये और कौन ट्राई करना चाहता है, किसको पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत इजीली जो है बन सकता है और ये चिकन का भी बन सकता है और ये मटन का भी बन सकता है, जो भी आपकी पसंद हो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, पका के बना के जो है वो खा सकते हैं। इसके अंदर जो है मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो गर्म मसाला ऐड करा है और मिर्च मसाले जो हैं आपकी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अगर आप लोग हरी मिर्च जो हैं और अपनी मर्ज़ी से स्पाइसी बनाने के लिए डालना चाहते हैं तो हरी मिर्च जो हैं और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ जो है मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे टमाटर जो है वो बिल्कुल ही इसके अंदर खड़े रखने हैं, इसलिए मैं टमाटर जो है अब ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ जो है 4 टमाटर लिए हैं कटे हुए और इसको जो है मैं 2 से 3 मिनट जो है बस डाल के जो है थोड़ा सा पकाऊंगी और बस ये इजीली जो है वो रेडी हो जाएगा। इसका जो ऑयल है वो भी जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो गया है
और बड़ी मज़ेदार जो है इसकी खुशबू आ रही थी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि कैसा बना है। और गोश्त भी है हमारा अच्छे से जो है वो गला हुआ है और बहुत ज़्यादा जो है खुशबू आ रही थी और इसकी जो शक्ल है वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका था और ये रेडी था और मैंने इसको डिश आउट कर लिया था और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप जो है चपाती के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, जो भी आपकी पसंद हो आप लोग उसके साथ इसको ट्राई कर सकते हैं। और मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में किस किसने बनाया और कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा और बेल आइकन बजा दिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।